नीतीश को यह सोने नहीं देगा। कार्यकर्ता की मौत पर बोली बीजेपी, सीएम का रक्त चरित्र बदल गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गुरुवार को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई है। इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी नेता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि आरजेडी के चरित्र में हिंसा है। 2021 तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला था, इसमें प्रदर्शनकारियों की शांतिपूर्ण गिरफ्तारी हुई थी, एक घटना भी हिंसा की नहीं हुई थी। नीतीश कुमार का रक्त चरित्र अब बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का खून नीतीश कुमार के दामन पर है, ये रात को सोने नहीं देगा। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि इस कार्यकर्ता की मौत पर नीतीश सरकार के खिलाफ शुक्रवार की सुबह फिर राज मार्च निकालेंगे, हिम्मत है तो फिर से लाठी चार्ज चलवा कर दिखाइए। वहीं इस घटना पर केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि पार्टी के जहानाबाद जिले के महामंत्री विजय सिंह की मृत्यु एक आहुति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा राज्य के क्षेत्रों एवं युवाओं को अपनी आवाज देते हुए हजारों बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कई महिलाएं, सांसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल हैं। बता दें कि बिहार में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च निकाला था। इसमें हिस्सा लेने के दौरान एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई है। वहीं पटना जिला प्रशासन ने कहा कि जहानाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति विजय सिंह चज्जू सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाए गए थे। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड न्यूज।